जरूरी होती है क्योंकि इनको रनिंग करना होता है। ये बहुत ही अच्छे रनर होते हैं, इसलिए ये 51 किमी पर आवर का स्पीड भी ले पाते हैं। तो बात करें अगर इनकी वेट की, तो जो मेल डोबरमैन होती है उनकी एवरेज वेट 44 से 45 केजी तक होती है, और बात करें अगर फीमेल डोबरमैन की तो उनकी एवरेज वेट 27 से 41 केजी तक होती है। ये हाइट, वेट और लाइफ स्पैन आपका डोबरमैन तभी गेन कर पाएगा अगर आप उसको अच्छी केयर और डाइट देंगे, तो वरना इसका वेट भी ऊपर नीचे हो सकता है और इसका लाइफ स्पैन भी, और हाइट भी। हाइट की जो बात है ये उसका जेनेटिक्स के ऊपर है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का डोबरमैन लेंगे तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग होगा और मस्कुलर होगा। अगर आप नॉर्मल या फिर जो सस्ते क्वालिटी का, सस्ता नहीं मतलब अगर किसी लो क्वालिटी का अगर देखे तो उसमें इतना अच्छा हाइट या फिर इतना अच्छा वेट या फिर उसका लाइफ स्पैन भी हो सकता है थोड़ा सा कम हो, तो ये आपको देख के लेना पड़ेगा। डोबरमैन जो डॉग होता है इनकी अगर एवरेज प्राइसिंग की बात करें तो नॉर्मली आपको हो सकता है 12 से लेके 30,000 के अंदर आपको मिल जाए, और अगर आप कोई सर्टिफाइड डोबरमैन लेना चाहते हो तो उसका स्टार्टिंग प्राइस ही 25 से लेके स्टार्ट होके वो 70,000 से 80,000 तक जा सकता है। डोबरमैन डॉग एक बहुत ही अच्छे कंपेनियन, गार्ड डॉग और फैमिली डॉग होता है। आप अगर एक डोबरमैन को अच्छी तरीके से ट्रेंड करें तो वो आपके फैमिली के ऊपर बहुत लॉयल भी होगा और वो अच्छी तरीके से गार्डिंग भी करेगा। पुलिस वर्क में भी बहुत सारे डोबरमैन को यूज़ किया जाता है, और एक अच्छी बात ये जो डोबरमैन डॉग होता है ये बच्चों के साथ भी बहुत ही फ्रेंडली होता है और उनसे अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं। डोबरमैन डॉग में खासियत है ये किसी एक ओनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर उस ओनर को अगर किसी ने कुछ ज़्यादा तकलीफ़ किया, अगर उसको किसी बात पर गुस्सा आया तो डोबरमैन दूसरे इंसान को छोड़ेगा नहीं। ये डोबरमैन की बहुत अच्छी खासियत होती है, इसलिए इनको बहुत ही लॉयल डॉग भी बोला जाता है। एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप डॉग को समझते हो और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो तो फिर डोबरमैन से अच्छा डॉग शायद ही आपको कोई मिले। पर अगर आप इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते तो फिर डोबरमैन आपके लिए नहीं है। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से ज़रूर नया कुछ जाना या सीखा होगा, और कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। सो फिर मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।